नमस्कार साथियों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक के रूप में आपकी बहुत सारी भूमिकाएं हैं। ऐसी ही एक भूमिका है सामुदायिक संचालक की भूमिका। शिक्षक एक सामुदायिक संचालक के रूप में समुदाय को विद्यालय के करीब लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि शिक्षक विद्यालय को समुदाय के करीब नहीं लाए, यह समुदाय को विद्यालय के करीब नहीं लाए, तो समुदाय और विद्यालय के बीच दूरी बढ़ जाती है, और वह दूरी बढ़ने से समुदाय और विद्यालय के बीच जो परस्पर विश्वास का वातावरण है वह खंडित हो जाता है, उसमें कुछ दरार पड़ जाती है। इसलिए समुदाय विद्यालय को अपना समझे, उसके प्रति अपनापन रखे, उसके प्रति एक ओनरशिप का भाव समुदाय में रहे, यह सब सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक की सामुदायिक संचालक के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और आपको यह भूमिका अपने विद्यालय के लिए निभानी है। सामुदायिक संचालक कौन होता है? एक संचालक वह व्यक्ति होता है जो वस्तुओं, प्रक्रियाओं या अन्य लोगों को चलायमान बनाता है, उसे संगठित करता है, उसे संचालित करता है। अर्थात एक तरह से वो एक ऐसे प्रेरक की भूमिका निभाता है जो समुदाय के लिए महत्वपूर्ण किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक सहभागितापूर्ण परिवेश का निर्माण करे। यहां पर समुदाय के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? महत्वपूर्ण लक्ष्य है विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए, विद्यालय में बच्चों को जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसके माध्यम से बच्चे एक अच्छे नागरिक बने। यही तो लक्ष्य है, बच्चों को एक राष्ट्र के लिए अच्छा नागरिक बनाने के उद्देश्य से ही तो समुदाय ने विद्यालय की व्यवस्था की है। तो ये वो महत्वपूर्ण लक्ष्य है, लेकिन इस लक्ष्य की पूर्ति में केवल विद्यालय का योगदान नहीं है, विद्यालय के साथ साथ शिक्षकों का योगदान भी है, विद्यालय के साथ साथ माता पिता का योगदान भी है, विद्यालय के साथ साथ समुदाय की विभिन्न संस्थाओं और सदस्यों का योगदान भी है। तो विद्यालय के साथ साथ समुदाय के विभिन्न सदस्य और संस्थाओं के बीच विद्यालय के साथ एक सहभागितापूर्ण परिवेश का निर्माण करना एक सामुदायिक संचालक के रूप में आपकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसीलिए एक सामुदायिक संचालक के रूप में मैंने कहा आपका अर्थात एक शिक्षक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। यदि अध्यापक चाहता है तो विद्यालय समुदाय का अंग हो जाता है, यदि अध्यापक उस पर ध्यान नहीं देता है तो समुदाय और विद्यालय के बीच बिलगाव हो जाता है, अलगाव हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए। एक सामुदायिक संचालक लोगों को साथ लाता है, साथ लाता है विद्यालय के विकास के लिए। एक अध्यापक एक सामुदायिक संचालक के रूप में समुदाय के लोगों को एक साथ लाता है, उनके साथ चर्चा करता है, विमर्श करता है, विद्यालय में क्या नया होना चाहिए, क्या उनकी अपेक्षा है, कैसे बच्चे वो चाहते हैं, कैसी शिक्षा चाहते हैं, लोगों को साथ लाकर उनके साथ चर्चा करना, लोगों में भरोसा निर्मित करना, ये सामुदायिक संचालक की भूमिका है। यदि एक सामुदायिक संचालक के रूप में आप एक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं तो आप कहाँ काम कर रहे हैं? विद्यालय के प्रति काम कर रहे हैं, अर्थात लोगों में विद्यालय के प्रति एक भरोसा निर्मित हो। उसके लिए आपको एक सामुदायिक संचालक के रूप में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है, सक्रिय भागीदारी, परोक्ष भागीदारी, प्रत्यक्ष भागीदारी। क्योंकि हमने चर्चा की है कुछ अन्य सत्रों में भी कि विद्यालय में जो समुदाय की भागीदारी होती है वो कई प्रकार से होती है, वो अप्रत्यक्ष भी हो सकती है, प्रत्यक्ष भी हो सकती है। तो हर प्रकार की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। सामुदायिक संचालक के रूप में आपको परिचर्चा करनी है, और यह परिचर्चा वास्तव में आपको निर्णय लेने में मदद करती है। तो एक सामुदायिक संचालक विद्यालय के बारे में क्या उचित निर्णय होने चाहिए, यदि वह समुदाय के करीब जाता है तो समुदाय की सहायता से ऐसे निर्णय लेने में मदद करती है, और विद्यालय के जो दिन प्रतिदिन के कार्य हैं उन कार्यों के आसान संचालन में भी सामुदायिक संचालन मदद करता है। एक तरह से जो सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया है, जो सामुदायिक संचालन की प्रक्रिया है, उस पूरी प्रक्रिया में सामुदायिक संचालक
मदद करता है, सहायता करता है। जब हम बात करते हैं एक शिक्षक को एक सामुदायिक संचालक के रूप में अपनी भूमिका निभानी है, आपको एक सामुदायिक संचालक के रूप में अपनी भूमिका निभानी है, तो आपको अपने अंदर कुछ अभिवृत्तियाँ निर्मित करनी होंगी, कुछ कौशल विकसित करने होंगे, कुछ ज्ञान, कुछ जानकारियाँ एकत्रित करनी होंगी। अर्थात एक अच्छे सामुदायिक संचालक के रूप में आप अपनी भूमिका कैसे निभा सकते हैं, इसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, आइए हम उन पर थोड़ी चर्चा करते हैं। जब हम सामुदायिक संचालक में अभिवृत्तियों की बात करते हैं, कैसी अभिवृत्तियाँ होनी चाहिए, एक अच्छा सामुदायिक संचालक कैसा होना चाहिए। समुदाय में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं, कई बार वे सकारात्मक भी हो सकती हैं, कई बार वे आलोचनात्मक भी हो सकती हैं, कई बार वे आपको चुनौतीपूर्ण भी लग सकती हैं। तो प्रत्येक परिस्थिति के परीक्षण की आप में इच्छा होनी चाहिए। प्रत्येक परिस्थिति कैसी है, उसके क्या कारण हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए विद्यालय में कोई ऐसी समस्या आ गई कि एक समूह के बच्चे दूसरे समूह के बच्चों के साथ नहीं बैठना चाहते, उसका कारण विद्यालय नहीं है, उसका कारण विद्यालय के बाहर समुदाय में कोई घटना घट गई, वह हो सकती है, या समुदाय में कोई धार्मिक या जातिगत आधार पर कोई अंतर है, वह हो सकता है, या कोई तात्कालिक कारण हो सकता है। आपके सामने तो विकट परिस्थिति है, आप तो सारे बच्चों को साथ बिठाना चाहते हैं, उनके बीच कोई भेदभाव करना नहीं चाहते, लेकिन समुदाय या समुदाय का एक समूह विशेष ऐसा नहीं चाहता, आप क्या करेंगे। आपको इस पूरी परिस्थिति का विश्लेषण करना होगा, इसके कारण ढूंढने होंगे, समुदाय के सदस्यों से बात करनी होगी, समुदाय में जो गणमान्य व्यक्ति हैं, जो नागरिक हैं, जिनकी बात सारे लोग मानते हैं, उनसे बात करनी होगी, बच्चों से बात करनी होगी, उन्हें उदाहरण देने होंगे, उनको संतुष्ट करना होगा। अर्थात एक पूरी परिस्थिति के परीक्षण की आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। यह पहली अभिवृत्ति है जो आपको अपने अंदर विकसित करनी है कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति आपके समक्ष आए, आप एकदम से परिस्थिति के साथ नहीं चले जाएं, एकदम से उस चुनौती से हार नहीं माने, बल्कि उसके परीक्षण करें। दूसरा, समुदाय के सभी सदस्य आपके लिए आदरणीय सदस्य हैं, आपके लिए सम्माननीय सदस्य हैं, उनके प्रति एक सम्मान का भाव आपके अंदर होना चाहिए। यदि समुदाय के सदस्यों को लगता है कि नहीं, ये शिक्षक तो हमें सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता, कई बार दुर्घटनावश या हमारी इच्छा नहीं होती, हमें नहीं पता होता, और हमारे व्यवहार की कोई, हमने बात करते समय कोई शब्द कह दिया, कोई हमने ऐसा शारीरिक हाव भाव प्रदर्शित कर दिया, जिससे समुदाय के सदस्यों को ये लग सकता है कि नहीं, ये शिक्षक हमारे प्रति सम्मान का भाव नहीं रखता, ऐसे में वो आपकी कही बात नहीं मानेंगे। आप यदि उनको किसी कार्य में संलग्न करना चाहोगे, वे लगेंगे नहीं आपके साथ। क्यों? तो उनको लगेगा आप उनके प्रति सम्मान का भाव नहीं रखते। इसलिए दूसरी अभिवृत्ति जो आपको अपने अंदर विकसित करनी है वो ये है कि समुदाय के जितने भी सदस्य हैं उन सबके प्रति आपके मन में सम्मान का भाव होना चाहिए। उनके प्रति ना आप कोई आर्थिक आधार पर भेदभाव करें, ना उनके सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर कोई भेदभाव करें, ना कोई धर्मगत या जातिगत आधार पर भेदभाव करें। आपके लिए वो उन बच्चों के माता पिता हैं जिनके बच्चे विद्यालय में पढ़ने आते हैं, आपके लिए सब समान है। आपके मन में सबके प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। साथ ही तीसरी अभिवृत्ति जो आपको विकसित करनी है, जो एक शिक्षक में सामुदायिक संचालक होने के नाते होनी चाहिए, वह है आप कोई भी निर्णय लेने की जल्दबाजी नहीं करें, आप अनिर्णयकारी हों। अनिर्णयकारी का मतलब ये नहीं कि आप निर्णय ना लें, अनिर्णयकारी का मतलब कि आपके अंदर अपने निर्णय को थोपने की अभिवृत्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि लोगों के साथ चर्चा करके, उनके साथ वार्तालाप करके, विमर्श करके, तब एक निर्णय पर आए जिसमें सर्वसमावेशी निर्णय हो, सबकी भागीदारी हो, सब उस निर्णय को स्वीकार करें। आपका ऐसा व्यवहार होना चाहिए, आपका ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए कि मैंने एक निर्णय ले लिया विद्यालय आने से पहले, अब सारे माता पिता को यही निर्णय मानना है। नहीं, ये अधिकारवादी जो व्यवहार होता है वो शिक्षक का सामुदायिक संचालक के रूप में स्वीकार्य नहीं है।
क्योंकि आपको समुदाय को संचालित करना है, उनको विद्यालय की बेहतरी के लिए जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए आपके व्यवहार में उनको लगना चाहिए कि यदि आप उनको विद्यालय की बेहतरी के लिए कुछ चर्चा करना चाहते हैं तो आप उनकी बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। अर्थात आपका व्यवहार स्वीकारवादी होना चाहिए, दूसरों के विचारों को स्वीकारने की क्षमता, इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए। ये तीसरी अभिवृत्ति है जो आपको अपने अंदर विकसित करनी है। फिर आप में सामुदायिक भिन्नताओं की समझ होनी चाहिए। हम जिस भी गांव में जाएं, जिस भी शहर में जाएं, जिस भी विद्यालय में पढ़ाएं, उस विद्यालय का जो तात्कालिक समुदाय है, जहां से बच्चे विद्यालय में आते हैं, वहां विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं कौन कौन सी हैं, क्या वहां पर जातिगत भिन्नताएं हैं, क्या वहां पर धार्मिक आधार पर भिन्नताएं हैं, क्या आर्थिक आधार पर भिन्नताएं हैं, क्या सामाजिक आधार पर भिन्नताएं हैं, क्या राजनीतिक आधार पर भिन्नताएं हैं। तो विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं जो होती हैं, सामुदायिक भिन्नताएं, उनकी भी जानकारी, समझ आपको अपने अंदर विकसित करनी है। यह भी एक अभिवृत्ति है। साथ ही आपको ये विश्वास होना चाहिए कि जिस समुदाय ने विद्यालय बनाया है, जिस समुदाय के बच्चों को आप विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का वातावरण निर्मित करने के लिए जाते हैं, उस समुदाय में अच्छे और प्रभावी निर्णय लेने की क्षमता है। आपको ये विश्वास जागृत करना होगा समुदाय की क्षमताओं में कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर समुदाय के लोग प्रभावी निर्णय ले सकते हैं। यदि आप में समुदाय के प्रति अविश्वास का भाव है तो आप एक अच्छे सामुदायिक संचालक नहीं हो सकते। तो एक अच्छे सामुदायिक संचालक के रूप में आप में एक परिस्थिति के परीक्षण की इच्छा होनी चाहिए, समुदाय के सभी सदस्यों के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए, आपको स्वयं निर्णय लेने की बजाय अन्य लोगों के साथ मिलकर निर्णय लेने वाला होना चाहिए, आपको स्वीकारवादी होना चाहिए, आपको सामुदायिक भिन्नताओं की समझ होनी चाहिए और प्रभावी निर्णय लेने में समुदाय की क्षमताओं में आपको विश्वास होना चाहिए। ये कुछ अभिवृत्तियां हैं जो आपको अपने अंदर विकसित करनी हैं। अभिवृत्तियों के बाद आती है कौशलों की। एक अच्छे सामुदायिक संचालक में कुछ महत्वपूर्ण कौशल होने आवश्यक है, खासतौर पर अच्छा संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल। यदि आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं, और कम्युनिकेटर होने का मतलब केवल बोलना नहीं, आपको सामुदायिक संचालक की भूमिका निभानी है, आपको समुदाय के लोगों को अपने साथ जोड़ना है, तो आपको अच्छा श्रवण कौशल होना चाहिए, आप अच्छे श्रोता होने चाहिए। जब समुदाय के लोग अपनी बात कहें, अपनी समस्याएं बताएं, अपने समाधान सुझाएं, तो आप उनके विचारों को ठीक प्रकार से ग्रहण कर सकें। तो एक तो आप में अच्छा संप्रेषण कौशल होना चाहिए और विशेष तौर पर आप एक अच्छे श्रोता होने चाहिए। दूसरा, जब समुदाय स्वयं विश्लेषण करे किसी समस्या का, या किसी समस्या का समाधान देने के लिए तैयार हो, सहयोग देने के लिए तैयार हो, तो आप में अच्छा सहयोगात्मक कौशल होना चाहिए कि आप उनसे सहयोग ले सकें, आप समुदाय से सहयोग लेने के लिए तैयार हों, आप समुदाय से सहयोग लेने में सक्षम हों, आप समुदाय को सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। अर्थात आप में अच्छा सहयोगात्मक कौशल होना अत्यंत आवश्यक है। तीसरा बात, आपको निर्णय लेने में और प्लानिंग में, नियोजन में समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने की क्षमता होनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण कौशल है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई योजना बनानी है, विद्यालय के विकास के लिए विद्यालय विकास योजना बनानी है, या कोई और कार्यक्रम की योजना बनानी है, समुदाय के दो लोगों को, तीन लोगों को आपने बुला लिया, उनसे बात करके आपने योजना बना ली, जब आपने उस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया तो समुदाय के अन्य सदस्यों ने कहा, आपने हमसे तो पूछा नहीं, आपने हमसे तो चर्चा नहीं की, आपने तो केवल दो चार लोगों से चर्चा करके निर्णय ले लिया, लेकिन ये हम सारे लोगों का तो प्रतिनिधित्व नहीं करते, तो आपके सामने समस्या हो सकती है। तो आपको क्या करना चाहिए, जो भी योजना बनाना चाहते हैं, चाहे किसी कार्यक्रम की योजना हो, चाहे विद्यालय से संबंधित कोई महत्वपूर्ण योजना हो, यदि आप एक सामुदायिक संचालक के रूप में वहाँ कार्य कर रहे हैं, तो आपको समुदाय के प्रत्येक सदस्य से चर्चा करनी होगी। उनकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, क्या तरीके अपना सकते हैं, क्या कोई बैठक आयोजित कर सकते हैं, क्या समुदाय के लोगों के साथ चौपाल पर विद्यालय के समय, क्योंकि विद्यालय के समय कई बार ये संभव नहीं होता, क्योंकि
उनके अपने कार्य करने का समय होता है और आप विद्यालय में बैठक आयोजित करते हैं तो माता पिता बहुत सारे उस समय आ नहीं पाते, और ऐसे में आप जो लोग आ पाते हैं केवल उनके आधार पर निर्णय ले लेते हैं, फिर जब आप उसको लागू करते हैं तो समुदाय के लोग आपके साथ खड़े नहीं होते। कई बार ये समस्याएं अध्यापकों को आती हैं, आपने भी अनुभव की होंगी। तो ऐसे में किस समय हम चर्चा कर सकते हैं, किस प्रकार चर्चा कर सकते हैं जिससे अधिक समुदाय के सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित हो, प्लानिंग में भी और डिसीजन मेकिंग में भी, अर्थात नियोजन में भी और निर्णय लेने में भी। तो आप में जब हम बात करते हैं कि एक शिक्षक में एक अच्छा सामुदायिक संचालक एक शिक्षक को होना चाहिए तो उसमें कौन कौन से कौशल होने चाहिए, उसमें अच्छा संप्रेषण कौशल होना चाहिए, इस पर अभी हम और आगे चर्चा करेंगे विस्तार से। उसमें अच्छा सहयोगात्मक कौशल होना चाहिए, लोगों को सहयोग लेने की और लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की क्षमता एक अच्छे सामुदायिक संचालक में होनी चाहिए। ऐसी आपसे अपेक्षा है जब आप एक सामुदायिक संचालक के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ज्ञान, किस चीज का ज्ञान आपको होना चाहिए? समुदाय के संचालन की एक प्रक्रिया है, सामुदायिक संचालन की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का आपको ज्ञान होना चाहिए। यदि समुदाय के लोगों को अपने साथ आपको लाना है तो आपको क्या क्या करना होगा, किन किन चरणों में उनसे बात करनी होगी, किन किन चरणों का पालन करना होगा, साथ ही समुदाय और सामुदायिक संचालन दोनों के सिद्धांतों की अच्छी समझ विकसित करनी होगी। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपको अपने समुदाय की समझ विकसित करनी होगी। मेरा समुदाय कैसा है, यहाँ लोग कैसे हैं, उनकी इच्छा क्या है, उनकी विद्यालय से अपेक्षाएं क्या हैं, वो विद्यालय को किस दृष्टि से देखते हैं, विद्यालय के शिक्षक को किस दृष्टि से देखते हैं, क्या वो विद्यालय की मदद करने के लिए तैयार हैं, उनके बीच किस प्रकार की भिन्नताएं हैं, किस प्रकार की बहुलताएं हैं, उनका धार्मिक विन्यास कैसा है, सामाजिक विन्यास कैसा है, जातिगत विन्यास कैसा है, आर्थिक स्थिति कैसी है, पूरे समुदाय को समझने की, पूरे समुदाय का ज्ञान आपको होना चाहिए। समुदाय के मूल्यों और संवेदनाओं की समझ आप में होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपके मूल्य समुदाय के मूल्यों के साथ तारतम्यता नहीं है, यदि आपके किसी व्यवहार से, किसी कार्य से या अपने विद्यार्थियों को दिए हुए किसी गृह कार्य से, किसी क्रियाकलाप से समुदाय की संवेदनाएं तो खंडित नहीं होती, उनको चोट तो नहीं पहुंचती, इसके लिए आपको समुदाय के मूल्यों, उनकी संवेदनाओं की समझ अपने अंदर विकसित करनी होगी। और यदि आप ऐसा करेंगे, अर्थात आप एक अच्छी अभिवृत्तियां विकसित करें, जो आवश्यक कौशल हैं, चाहे वो संप्रेषण कौशल हो, चाहे वो सहयोगात्मक कौशल हो, चाहे वो समुदाय के लोगों को आपस में जोड़ने की क्षमता हो, वो विकसित करें, आप सामुदायिक संचालन प्रक्रिया को ठीक से समझें, समुदाय कैसे संचालित होता है, समुदाय को संचालित करने के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है, इसके सिद्धांत क्या है, समुदाय कैसा है, समुदाय के मूल्य क्या है, समुदाय की संवेदनाएं क्या है, जब आप इन सब का ज्ञान अर्जित कर लेंगे तो आप एक अच्छे सामुदायिक संचालनकर्ता के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने जब मैं कौशलों की बात कर रहा था तब मैंने कहा था कि सबसे महत्वपूर्ण कौशल जो एक संचालक का होता है वह है उसका संप्रेषण कौशल। एक संचालक का सबसे महत्वपूर्ण है संप्रेषण कौशल, और संप्रेषण कौशल में भी मैंने कहा अच्छा श्रोता होना। संप्रेषण क्या है? अपने विचारों, तथ्यों, सूचनाओं, समझ आदि को दूसरों के साथ बांटना, यही तो संप्रेषण है। और प्रभावी संप्रेषण वही होता है जिसमें ग्रहणकर्ता वही ग्रहण करे और उसी अर्थ में ग्रहण करे जो प्रेषक ने संप्रेषित किया है। जैसे आप माता पिता से या अभिभावकों से कुछ कहना चाहते हैं, आपके संप्रेषण के कई तरीके हो सकते हैं। आप सीधे उनसे कह सकते हैं, आप लिखित में बच्चे की डायरी में या कॉपी में कुछ लिखकर दे सकते हैं, या आप बच्चों से कुछ कह सकते हैं कि वो जाकर अपने माता पिता से ये कहें। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, तो संप्रेषण का माध्यम तो भिन्न हो सकता है, लेकिन आपने जिस इच्छा से जो कुछ संप्रेषित किया है क्या माता पिता तक वह संप्रेषण उसी इच्छा से पहुंचा है, उसी अर्थ में पहुंचा है? यदि उनको किसी भिन्न अर्थ में वो पहुंचा है तो फिर समस्या हो जाती है।
तो इसलिए संप्रेषण में ये अत्यंत आवश्यक है, प्रभावी संप्रेषण। इसलिए हम उसी संप्रेषण को कहते हैं, उसी कम्युनिकेशन को हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसमें ग्रहणकर्ता वही ग्रहण करे और उसी अर्थ में ग्रहण करे जो प्रेषक ने संप्रेषित किया है। एक संप्रेषण प्रक्रिया जो पूरी होती है, इसका कुछ घटक होते हैं। चलिए हम थोड़ी सी चर्चा इन घटकों की करते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में एक प्रेषक होता है, अर्थात भेजने वाला, संदेश भेजने वाला। जैसे यदि अध्यापक कुछ कहना चाहता है माता पिता से, तो अध्यापक एक प्रेषक है, और वो किससे कहना चाहता है? माता पिता से। माता पिता कौन है? ग्रहणकर्ता है। जो कुछ कहना चाहता है वो संदेश है, वो सीधे कहना चाहता है, बच्चों के माध्यम से कहना चाहता है, या जो हमारी संस्था है, प्रबंधन समिति है, उसके माध्यम से कहना, जो माध्यम है, मार्ग क्या है, वो लिखित भेजना चाहता है, मौखिक भेजना चाहता है। माता पिता ने वो बात सुन ली है और वो सुनकर के उनको समझ में आ गई है, अर्थात उन्होंने यदि उसका कोई प्रत्युत्तर दिया है तो वो प्रत्युत्तर प्रतिपुष्टि है, और वो प्रतिपुष्टि आपको बताती है कि आपने जो प्रेषित किया वो ठीक प्रकार प्रेषित हुआ है कि नहीं प्रेषित हुआ। यदि नहीं प्रेषित हुआ तो कौन से अवरोध आए, कौन सी नॉइज क्रिएट हुई, कौन सा कोलाहल हुआ, कौन सा शोर हुआ, वो अवरोध है। संप्रेषण प्रक्रिया जो है वो एक प्रेषक से प्रारंभ होती है। प्रेषक मतलब जो सूचना भेजने वाला है, जो सूचना संप्रेषित करने वाला है, वह सूचना संप्रेषित करने वाला व्यक्ति प्रेषक होता है। तो यदि मुझे कोई सूचना भेजनी है एक अध्यापक के तौर पर माता पिता को, तो सबसे पहले मुझे सूचना भेजने से पहले अपने जिसको जो ग्रहण करता है ना, उसके दृष्टिकोण को सोचना होगा। जैसे आपने यदि शिक्षक के तौर पर ही निर्धारित किया कि आप एक सूचना लिखित रूप में भेजेंगे, लिखकर भेजेंगे, आपने बच्चे की कॉपी ली, उस पर सूचना लिख दी, लेकिन क्या आपने ये सोचा कि बच्चे के माता पिता साक्षर हैं? यदि आपने ये नहीं सोचा और आपने एक सूचना लिख दी, बच्चे से कहा आपने पिताजी से, पिताजी को दिखा देना और इस पर हस्ताक्षर कर लेना, बच्चे के पिताजी को हस्ताक्षर करना आता है नहीं आता है, तो उन्होंने अंगूठा लगा के आपको भेजना, आपकी जिम्मेदारी पूरी होगी? नहीं पूरी हुई। क्यों नहीं पूरी हुई? क्योंकि आपने ये चिंतन ही नहीं किया कि मेरी सूचना का जो ग्रहण करता है वो साक्षर है कि नहीं है। आपने सूचना अंग्रेजी में लिख दी, उसको केवल हिंदी आती है। आपने सूचना हिंदी में लिख दी, उसको केवल मराठी आती है, उसको केवल तमिल आती है। अर्थात आपको जिसको सूचना भेजनी है पहले उस पर चिंतन करना होगा कि वो ग्रहणकर्ता कौन है, उसकी दृष्टि से वो किस रूप में सूचना को प्राप्त करेगा। तो संप्रेषण प्रक्रिया में जो प्रेषक है उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर ग्रहणकर्ता वो व्यक्ति या समूह है जिस तक सूचना संप्रेषित की जानी है। तो वह ग्रहणकर्ता कौन है? क्या वो एक व्यक्ति है, क्या वो समूह है? समूह है तो सूचना किस प्रकार भेजनी है, व्यक्ति है तो सूचना किस प्रकार भेजनी है? सूचना प्रसारण का तरीका क्या है, वो मार्ग या प्रणाली कौन सी है जिससे हम वो सूचना भेजेंगे? क्या हम मौखिक सूचना भेज रहे हैं, हमने बच्चे को बता दिया, बच्चे माता पिता को बता देंगे, या हमने लिखित में सूचना भेजी, या हमने कोई पत्रक दे दिया, ये पत्रक है, इस पत्रक को पढ़वा करके अपने माता पिता से सूचना लेकर आना, या हमने सीधे माता पिता से उनका मोबाइल नंबर लेकर या फोन नंबर लेकर सीधे बात की, वो भी तरीका है, हमने कोई ईमेल भेज दी। हालांकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, लेकिन अभी हम निर्धारित कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक माता पिता ईमेल जानते हैं कि नहीं जानते हैं। वही है कि अगर शिक्षक को ईमेल आता है, शिक्षक कहेगा मैंने तो ईमेल भेज दिया, मेरा काम पूरा हो गया, माता पिता को ईमेल देखना नहीं आता, तो आपका काम पूरा नहीं हुआ, आपने ग्रहणकर्ता की दृष्टि से चिंतन नहीं किया। तो मार्ग का चयन भी आपको ग्रहणकर्ता की दृष्टि से करना होगा। फिर सूचना प्राप्त होने के बाद ग्रहणकर्ता ने क्या प्रतिक्रिया दी, उसे सूचना ठीक मिली कि नहीं मिली, उसकी क्या प्रतिक्रिया थी, वो प्रतिक्रिया ही प्रतिपुष्टि है। तो सूचना प्राप्त हो जाने पर ग्रहणकर्ता की जो प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया प्रतिपुष्टि है, फीडबैक है। वो फीडबैक आपको बताता है कि आपकी इंफॉर्मेशन या सूचना ठीक प्रकार गई है कि नहीं गई है, और यदि नहीं गई है तो रुकावट कहाँ है, वो कोलाहल, वो शोर, वो नॉइज क्या है, उसको कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में नॉइज कहते हैं, कोलाहल कहते हैं, अवरोध कहते हैं। वो अवरोध कोई भी हो सकते हैं। जब आप एक पूरी संप्रेषण प्रक्रिया का चिंतन करते हैं, जब आप बच्चों के माता पिता तक कोई सूचना भेजने की बात करते हैं, तो
तो आपको कई प्रकार के कोलाहल, कई प्रकार के अवरोधों का चिंतन करना होता है। वे भौतिक हो सकते हैं, वे मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं, वे शारीरिक हो सकते हैं, वे भाषाई भी हो सकते हैं। एक सामुदायिक संचालक के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए आपको ये सारे चिंतन करने होते हैं। जैसे आपने तय किया कि मैं माता पिता से फोन पर बात करूंगा, मैं अपना कक्षा समाप्त हो जाने के बाद जब घर जाऊंगा तो मैं रास्ते में माता पिता से बात करूंगा। आपने फोन लगाया, माता पिता का नंबर आपके पास है, आपने बात करनी शुरू की, पीछे वाहनों का शोर आ रहा है, आसपास कोई निर्माण कार्य चल रहा है, निर्माण कार्य का शोर आ रहा है, तो आप जो बात कहना चाहते हैं वो बात वहाँ अधूरी पहुँची। यदि इस प्रकार का कोई अवरोध है, इस प्रकार का कोई कोलाहल है, इस प्रकार का कोई शोर है, तो यह भौतिक अवरोध की श्रेणी में आता है। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है कि आप जो कह रहे हैं या आपने जो लिखा है, जो श्रोता या पढ़ने वाला है वो उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा, उसका ध्यान कहीं और है। कई बार सार्वजनिक बैठकों में ऐसा होता है कि आप सारे माता पिता को बुलाते हैं और आपके प्रधानाचार्य या आप उनको एक पूरा भाषण देना प्रारंभ कर देते हैं, बिना ये जाने कि क्या आपके भाषण पर आपके श्रोता ध्यान दे रहे हैं, क्या वो अपना, या आपकी कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने माता पिता को बुला लिया, माता पिता भी फर्स्ट जनरेशन के हैं, वो अपनी केवल मातृभाषा ही जानते हैं, और एक शिक्षक या प्रधानाचार्य या जो भी व्यक्ति आपने बुलाया है जो उनको भाषण दे रहा है या कोई जानकारी दे रहा है, वो अंग्रेजी में देने लगा, उनको अंग्रेजी आती नहीं तो उस पर ध्यान ही केंद्रित नहीं करेंगे। तो कई बार यह मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है। तीसरा, कई प्रकार यह शारीरिक भी हो सकता है। चाहे वक्ता या श्रोता, दोनों में से किसी को भी कोई शारीरिक कठिनाई हो सकती है। जैसे बोलने में अक्षमता हो, दोनों में से किसी एक को बोलने में अक्षमता है, या दोनों में से किसी एक को सुनने में अक्षमता है, तो ये शारीरिक रुकावटें भी हो सकती हैं। और कई बार रुकावटें भाषाई होती हैं। एक भाषाई रुकावट की बात तो मैंने की कि आप भिन्न भाषा प्रयोग करें। एक बार भिन्न भाषा प्रयोग नहीं करें, भाषा वही प्रयोग करें, परंतु भाषा में आप जिन शब्दों का प्रयोग करें वे शब्द ऐसे हों जो श्रोता या पाठक की समझ से परे हों। जैसे कई बार आप लेख पढ़ते हैं, शिक्षक के तौर पर आप भी लेख पढ़ते हैं, या आपके पास कोई सरकार से कोई निर्णय आता है, मान लीजिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम का आपके पास डॉक्यूमेंट आया, अब आप उसमें से बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं पाते क्योंकि उसमें कानूनी भाषा लिखी है, उसमें कुछ शब्द ऐसे लिखे हैं जो आपकी समझ से परे हैं। ऐसा माता पिता के साथ भी हो सकता है कि आप जो माता पिता के लिए नोट या सर्कुलर बनाकर दे रहे हैं, उस या नोट या सर्कुलर में आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो माता पिता की समझ से परे हों, या वार्तालाप में भी आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जिनका अर्थ उनकी समझ से परे है, तो वह भाषाई क्लिष्टता के कारण भी हो सकता है, वह भाषा में सही शब्दों के चयन के कारण भी हो सकता है। तो जब हम एक सामुदायिक संचालक के रूप में अपनी भूमिका देखते हैं, हमें समुदाय के लोगों को जोड़ना है, हमें माता पिता तक अपनी बात पहुंचानी है, तो हमें बहुत सारे आयामों पर चिंतन करना होता है। उसमें से एक महत्वपूर्ण विषय यह संप्रेषण का भी है। तो आज की चर्चा में हमने प्रयास किया कि हम आपको आपकी जो सामुदायिक संचालक के रूप में एक शिक्षक की भूमिका की अपेक्षा की गई है, उस भूमिका के विभिन्न आयामों से परिचित कराएं। वे आयाम चाहे आपकी विभिन्न प्रकार की अभिवृत्तियों के रूप में हो जो आपको अपने अंदर विकसित करनी है, विभिन्न प्रकार के कौशलों के रूप में हो जो आपको अर्जित करने हैं, या विभिन्न प्रकार के ज्ञान और समझ के बारे में हो जो आपको ग्रहण करनी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक अच्छे संचालक को एक अच्छा संप्रेषणकर्ता होना चाहिए। तो संप्रेषण कौशल क्या होता है, संप्रेषण की प्रक्रिया क्या होती है, संप्रेषण की प्रक्रिया में आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, उन सारे आयामों पर हमने संक्षिप्त में चर्चा की। मुझे आशा है कि यह चर्चा आपको एक अच्छे और सफल सामुदायिक संचालक के रूप में आगे बढ़ने में मदद करेगी, और आप अपने समुदाय और अपने विद्यालय को एक दूसरे के करीब लाकर शिक्षा को और बेहतर और गुणवत्तापूर्ण बनाने में अपना अधिकतम योगदान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।